फोटोशॉप चला रहे हैं। फोटोशॉप में क्या, ये जो टेक्स्ट पिक्चर के पीछे आप टेक्स्ट लेके गए हैं, ये कैसे किया आपने? यही तो हमको आता है। इसको आप फिर से करके बता सकते हैं? जरूर जरूर करके बताइए। ठीक, तो इसके लिए हमको ना यहाँ पे बाहर डबल क्लिक करना है। इसके पहले हमको एक इमेज लेना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इमेज ले लेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे इनका लेते हैं, अजय देवगन का। फिर इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे अजय देवगन का नाम लिख दिया हमने कैप लॉग ऑन करके, अजय। और यहाँ से क्लिक करके कंट्रोल टी कर देते हैं, जिससे कि ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और इसको हम छोटा कर देंगे, फिर एंटर कर देंगे। और लेयर में आके यहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट देने के लिए हम बबल्स एंड इंबर्स का इस्तेमाल कर लेंगे इस प्रकार से, और कर देंगे ओके। अब इसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड पे आएंगे और यहाँ पे लेयर्स पे आएंगे और व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड पे क्लिक कर देंगे और कर देंगे ओके, जैसे कि अनलॉक हो जाएगा ये। फिर कंट्रोल जे कर देंगे यहाँ पे कीबोर्ड में, जैसे कि एक लेयर और बन जाएगा यहाँ पे, जैसे देखेंगे एक लेयर और बन गया है। कंट्रोल कराते हैं, यहाँ से क्लिक करके देखेंगे एक लेयर और बन गया। हम टेक्स्ट पे क्लिक करके इसकी ओपेसिटी को कम कर देंगे, कम हो गया। और यहाँ पे हम आएंगे पेन टूल पे और इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसके साइज को थोड़ा बढ़ा देंगे और स्पेस से ऐसे कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे हम कर देंगे, ऐसे सिलेक्शन बना देंगे। सिलेक्शन बना रहे हैं, फिर यहाँ से खींचेंगे और ये सिलेक्शन, इसको थोड़ा फास्ट तरीके से कर लेते हैं। ये हो गया। अब फिर इसमें हम करेंगे क्लिक और इसको भी सिलेक्शन बना लेंगे। अब ये हो गया। होने के बाद हम क्या करेंगे, लेयर में आएंगे। लेयर में आने के बाद यहाँ पे एड वेक्टर मास्क है, इसमें कर देंगे करंट पाथ पे क्लिक कर देंगे, जिससे कि हमारा इमेज ऊपर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, राइट बटन क्लिक करके फिर यहाँ से क्लिक करके दोनों सिलेक्शन बना लेंगे, ऐसे सिलेक्शन बन गया। राइट बटन क्लिक करके मेक सिलेक्शन कर देंगे और कर देंगे ओके, और कंट्रोल डी से इसको हटा देंगे, हट गया। और यहाँ पे आके लेयर में इसकी ऑपोजिट टेक्स्ट की ऑपोजिटी बढ़ा देंगे, जिससे कि ये हमारा कम्प्लीटली पूरा आ जाएगा और ये टेक्स्ट के पीछे आ गया। तो ऐसे होता है ये।